नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर स्पेशल। खबर जालौन से। जनपद के नगरकाल्पी में छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के हमले में जवानों की शहादत में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे की देखरेख में जवानों को याद किया गया और 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सद्दाम कादरी द्वारा मुन्ना फुल पावर चौराहे से इंदिरा पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर प्रदेश सचिव सोशल मीडिया कांग्रेस आदित्य नगाइच, जिला उपाध्यक्ष राम कुमार, ओमरे शरद शुक्ला, मंसूरी आरिफ सहित दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर भी है जालौन से। यहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कबूतरा डेरा पर की छापेमार कार्यवाही। जानकारी के अनुसार कोच तहसील के अंतर्गत थाना 8 के बिरासनी में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व SP डॉ. यशवीर सिंह ने आबकारी टीम के निरीक्षक PP टंडन, आबकारी निरीक्षक मनोज यादव आदि के साथ यहां कार्यवाही हुई है। कबूतरा डेरा पर हर जगह का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यहां शराब नहीं मिली, लेकिन मौके से कुछ लहन जरूर नष्ट कराया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही चलती रहेगी। शराब का कारोबार करने वाले बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। अगली खबर है जिला अमेठी से। यहां तहसील मुसाफिर खाना के नेवादा गांव में बने गौ संरक्षक केंद्र में लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां लापरवाही के कारण गोवंश गौशाला में ही अपनी जान गंवा देते हैं। जानकारी के मुताबिक किसी भी जानवर के गले में रस्सी नहीं लगाई गई है, जिससे बड़े जानवर छोटे जानवरों को मार देते हैं और जानवरों का समय पर इलाज न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। कुछ जानवर जो है बीमार पड़े हैं जी। हाँ सर, और उनके डॉक्टर साहब के ना आने के लापरवाही से जानवर मर रहे हैं। कितने दिन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? हफ्ता हफ्ता बीत जाता है, 10-10 दिन बीत जाता है। बीमार पड़े रहते हैं, फ़ोन करने पर बोलते हैं उनको करो उनको करो, तो हम किसको करें फोन। तो इसका मतलब रोज़ जानवर मरते भी होंगे? जी हाँ। कितने जानवर रोज़ मर रहे हैं? डेली दो तीन एक करके डेली मरते हैं। तो डॉक्टर नहीं आते हैं इस गौशाला पे, तो उसका पोस्टमार्टम कौन करता है? जी कोई नहीं करता है, हमें सब लोग ले जाके फेंक देते हैं। आप लोग फेंक देते हैं ले जाके? जी। अच्छा। गौशाला पर काम कर रहे युवक का कहना है कि डॉक्टर कई दिन यहाँ गायब रहते हैं। गौशाला पर उचित व्यवस्था की जाए तो गोवंश बचाया जा सकता है। खबर पीलीभीत से। यहां तहसील कलीनगर के क्षेत्र ग्राम पंचायत करेलिया से भक्तगढ़ ठेली लेकर पैदल यात्रा के साथ पूर्णागिरी के लिए रवाना हुए। यहां रास्तों पर भक्तगढ़ झूम झूम कर नाचते गाते दिखे। लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ठेली लेकर पैदल यात्रा पूर्णागिरी तक करते हैं और वहाँ पहुँच कर पूजा पाठ होता है। क्या नाम है आपका? सोनपाल। तो ये ऐसा ठेली हर बस जाती है आपके? जी। कहाँ के लिए? पूर्णागिरी आती है करलिया से। अच्छा, तहसील कौन सी लगती है? कनीलगर जिला ठेली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। हम हर साल 11वीं साल है आपकी बार पैदल यात्रा जाते हैं। आज आपकी बार भी जाते हैं, हर साल जाते रहेंगे। कहाँ के लिए? हम ग्राम करलिया जिला पीलीभीत तहसील कलीनगर के रहने वाले। यूपी खबर स्पेशल में इतना ही। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।